अपने स्वास्थ्य की देखभाल करो, क्योंकि ये वो जगह है जहां तुम्हें हमेशा रहना है। इंसान अपने जीवन में चाहे जितनी भी धन दौलत सुख साधन की प्राप्ति क्यों ना कर ले, लेकिन उसका स्वास्थ्य ही उसका सबसे बड़ा धन होता है। ये कहावत सुनी हम सब ने है दोस्तों, लेकिन आज की तेज रफ्तार दुनिया में ऐसा लगता है कि ये बात हम कहीं भूल गए हैं। आज की दुनिया में हमारी कल्याण से रिलेटेड 70% समस्याएं लाइफस्टाइल के कारण होती हैं। इन्हीं सब समस्याओं से लड़ने के लिए क्रैक द वेलनेस कोड यानी कि CWC की शुरुआत सिलिकॉन वैली में की गई थी। CWC यानी कि क्रैक द वेलनेस कोड, ये एक नॉन पॉलिटिकल और नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। ये हर उम्र के वेलनेस यानी कि खुशहाली को प्रमोट करने की कोशिश करता है। CWC पूरे सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में एक जबरदस्त वेलनेस मूवमेंट के तौर में फैला है। सिलिकॉन वैली में अपने जबरदस्त काम से CWC ने देश विदेश में रहने वाले ना जाने कितने लोगों की जिंदगियां बदली हैं, और अपनी इस अपार सफलता के बाद अब CWC इंडिया में आ रहा है IWC के नए रूप में। IWC यानी कि इंडस वेलनेस कोड ट्रस्ट। वेलनेस का मतलब होता है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में ज्यादा से ज्यादा अच्छी आदतों का प्रयोग करें, जिससे कि हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी रहे। स्वस्थ तन में ही रहता है स्वस्थ मन और विचार। अगर चाहते हैं खुश रहना तो ना होने दे इसे बीमार। अगले 5 सालों में IWC कम से कम 50 लाख देशवासियों की खुशहाली बढ़ाने का काम करेगी। इस मुहिम में सफलता के लिए हमारा मंत्र है एडुकेट, इंस्पायर, एम्पावर और इम्पैक्ट। एडुकेट यानी वेबिनार्स के जरिए हम आपको एक्सपर्ट से जोड़ेंगे जो कि आपको वेलनेस के विभिन्न आयामों पर जानकारी देंगे, और इस जानकारी को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर आप एक स्वस्थ और बेहतर जीवन जी सकते हैं। इंस्पायर यानी डॉक्टर्स, प्रैक्टिशनर्स और हमारे हेल्थ हीरोज के सपोर्ट से आपको वेलनेस के लिए प्रेरित किया जाएगा। एम्पावर यानी कि पार्टिसिपेंट्स को सपोर्ट ग्रुप्स, वेबिनार्स, वेलनेस रिसोर्स सेंटर और भी अन्य प्रकार की एक्टिविटीज से वेलनेस को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। इम्पैक्ट यानी कि आप ना केवल अपनी खुशहाली के बारे में सोचें परंतु कुछ करें भी। इंडिया के इतिहासों में पहली बार एक वेलनेस रिसोर्स सेंटर खोला जाएगा। वेलनेस रिसोर्स सेंटर एक ऐसी जगह है जहां आपको कल्याण के 10 आयामों से संबंधित किताबें, वीडियो फिल्म्स और ऑडियो लेक्चर्स अवेलेबल होंगी। ये सब ज्ञानवर्धक ज्ञान का भंडार डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स द्वारा सुझाया गया है। इसके अलावा यहां पर हम शुरुआत में कल्याण के कुछ आयाम जैसे कि योग, हेल्थ कुकिंग, असेंशियल टेक्निकल स्किल्स, इमोशनल हेल्थ पर सेशन शुरू कर रहे हैं। ये वेबिनार हफ्ते में एक बार होगी दोस्तों। जो कोई भी यहां पर आकर इन सेशन में शामिल होना चाहता है वो हमारी वेबसाइट thewellnesscode.org पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, और बाकी लोग इन सेशंस में ऑनलाइन शामिल होकर लाभ उठा सकते हैं। IWCT खुशहाली के 10 आयामों पर कार्य करेगी। ये आयाम है फिजिकल वेलनेस, मेंटल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस, बिहेवियरल वेलनेस, ऑक्यूपेशनल वेलनेस, कल्चरल वेलनेस, फाइनेंशियल वेलनेस, इंटेलेक्चुअल वेलनेस एंड सोशल वेलनेस। धीरे धीरे हम इसमें और भी विषयों पर कार्य शुरू करेंगे। दोस्तों आज इंडिया ग्लोबल वेलनेस इंडेक्स पे 156 कंट्रीज में से 140वीं रैंक पे आता है। आपको और हमें स्वस्थ आदतों का निर्माण करके और कराकर इसे बदलना होगा, और इंडिया को एक वेलनेस इंस्पिरेशन बनाना होगा। तो चलिए मिलकर ये वेलनेस यात्रा की शुरुआत करते हैं दोस्तों। नमस्कार, सुप्रभात, आपका दिन मंगलमय हो यही कामना है। मैं डॉक्टर रश्मि जैन, इंडस वेलनेस कोड जयपुर द्वारा आयोजित हेल्थ एंड फिटनेस के इस महत्वपूर्ण सत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। नैनो से स्वागत, वाणी से स्वागत कि हम लाए हैं शुभ संकल्पों की हार आपके द्वार। आज के इस कठिन दौर में जब मन मस्तिष्क का चैन खो गया है, बावरा ये मन जहां तहां समाधान की खोज में भटकता फिर रहा, इसका इलाज सदा के लिए कैसे कर सकते हैं, यही समाधान हम आपके लिए आज लेके आए हैं। ये एक विडंबना है कि जो हमें सहज सरल प्राप्त है, हमारे पास है, उसे हमने जीवन की आपाधापी में भुला दिया है। उसी सहजता सरसता को प्राप्त करने के लिए हमारे इस जो सत्र का विषय है बहुत ही मजेदार है। हास्य जो एक शिशु भी बिना सिखाए स्वतः कर पाता है, आज उसी से हम वंचित हो गए। जीवन की सरसता को खो करके
रुखे बेमानी से हो गए हैं। जीवन में तनाव इतना बढ़ गया है कि बड़े सपनों की तलाश में छोटी छोटी खुशियां कहीं खोसी गई है। नतीजा गंभीर मानसिक व शारीरिक रोग हमें घेरते चले जा रहे हैं। एक से बचते हैं तो दूसरी समस्या मुंह फाड़े खड़ी हो जाती है। दवा लेते हैं तो उसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट पैकेज डील में मिलते हैं। छोटे बच्चे हों, स्कूल में हों या घर में, नौकरी पेशा हों या व्यवसायी, कोई भी ऐसा नहीं दिखता जिसका कि चेहरा मुरझाया हुआ न हो, जो निराश या तनाव मुक्त न हो। थकान, बोर्डम, हृदय रोग, मधुमेह, निराशा, क्रोध, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, एक लंबी फहरिस्त आप देख सकते हैं इन्होंने हमें घेर लिया है। कहीं कोई विकल्प नजर नहीं आता। जब कुछ राह नहीं सूझती है तब समाधान की रोशनी लेकर उपस्थित हुआ है इंडस वेलनेस कोड का यह हेल्थ एंड फिटनेस सब। इसमें मजेदारी की बात यह है कि न तो कोई साइड इफेक्ट है और ये बहुत इफेक्टिव भी है। ये आपको 365 दिन 24 घंटे उपलब्ध है। कहीं भी इसको आप कर सकते हैं। एक शिशु से लेकर के एक बुजुर्ग तक ये सब कर सकते हैं। इसे आप अकेले करना चाहें या समूह में करना चाहें, दिन में करें या रात में, दिल से करें या बेमन से, ये हर हाल में इफेक्टिव है। तो है ना मजेदार। और इसे आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं लाफ्टर गुरु डॉक्टर मदन कटारिया। डॉक्टर मदन कटारिया को आप सबसे औपचारिक तौर पे परिचित कराने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे इंडस वेलनेस कोर्ट के संस्थापक माननीय श्री नरेन बख्शी जी को। नरेन जी एक अमेरिकन भारतीय हैं जिनकी जन्मभूमि भारत और कर्मभूमि सिलिकॉन वैली अमेरिका रही है। पिछले 50 वर्षों से आप अमेरिका में निवास करने के बावजूद अपनी सरजमी से जुड़े रहे हैं। वे एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। विभिन्न पदों पे अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए उन्होंने समाज व मानवता की अभूतपूर्व सेवा की है। उनकी उपलब्धियों की एक लंबी सूची है जिससे आप देख सकते हैं। वे एक दूरदर्शी, नेतृत्व क्षमतावान, अत्यंत ही सरल, सहज, कर्मठ व्यक्ति हैं। सबका साथ, मानवता का विकास उनका मोटो है। 1943 में जन्मे बख्शी जी 23 का दिल और 55 का अनुभव रखते हैं। उनके लिए ये कहना बहुत ही सही होगा कि चेहरे पे हंसी, चाल में मस्ती, दिल में उमंग, काम में जान, हृदय में प्रेम, जिसके है बसा, यही है श्री नरेन बख्शी जी की पहचान। तो आपका स्वागत है नरेन जी, कृपया आए और हमारे आज के जो अतिथि हैं, अतिथि वक्ता है, उनको सबसे रूबरू कराएं। श्री नरेन बख्शी जी। रश्मि जी, आपने बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन कर दिया। मैं नहीं जानता कि इतना मैं डिजर्व भी करता हूँ, लेकिन आज का काम मेरा बहुत आसान है क्योंकि मैं जिनको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ उनको मैं 30 साल से जानता हूँ। डॉक्टर मदन कटारिया वो अद्भुत इंसान हैं जिन्होंने हमको हंसना सिखाया। हंसना ही नहीं सिखाया, हंसने के साथ साथ एक्सरसाइज करना सिखाया, योगा में लाफ्टर में लाके दिया। वो दुनिया भर में कम से कम हजारों जगह लाफ्टर योगा क्लब्स बनाए रहे हैं, 100 कंट्रीज में उनका है। वो डॉक्टर हैं। मैं उनसे 30 साल पहले इसलिए मिला था क्योंकि वो मेरे पिताजी के साथ जयपुर में उन्होंने एक लाफ्टर योगा क्लब बनाया। तब से मैं उनको जानता हूँ। तब से आगे बढ़ते 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 उन्होंने पूरी दुनिया में ये बात दिखा दी कि अपन खुश रहेंगे, हंसी करेंगे और साथ में एक्सरसाइज भी करेंगे तो एक योगा बन जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि कटारिया साहब आपको पूरी डिटेल्स बताएं इस बारे में। और वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, CWC अमेरिका में भी जुड़े हुए हैं और अब इंडिया में भी जुड़ गए हैं। थैंक यू वेरी मच कटारिया जी। नमस्कार। बख्शी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे तो हमारी बहुत पुराना परिचय है, क्रैक द वेलनेस कोड जो कैलिफोर्निया से आपने शुरू किया था, तो उसमें भी हमने डॉक्टर
नारस भट्ट के साथ बहुत सारी प्रेजेंटेशंस की है और ये इनिशिएटिव आप जो भारत में चला रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। और मेरा तो आपकी फैमिली के साथ बहुत पुराना संबंध है। आपके पिताजी 90 प्लस होते हुए भी हमारे लाफ्टर क्लब के चैंपियन थे, जयपुर लाफ्टर क्लब में वो पार्टिसिपेट करते थे, तो मुझे बहुत ही गर्व होता था। तो मैंने आपसे कई बार बात भी की है, तो लाफ्टर क्लब ने कितने लोगों को अनगिनत फायदे दिए हैं और इसके बारे में आज हम आपको सबको बताएंगे कि इतनी तनाव भरी ज़िंदगी में और ख़ासकर जो अभी माहौल चल रहा है कोविड का, इतना तनाव है, इतनी टेंशन है, इतनी डिप्रेशन एंग्जाइटी बढ़ रही है दुनिया में, आज के हालात में कैसे आदमी हंस सकता है। तो आज का मेन टॉपिक रहेगा हाउ टू लाफ ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम्स। ये बात पक्की है कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में लोग नहीं हंस सकते हैं, लेकिन लाफ्टर योगा बिल्कुल अलग चीज़ है जिसमें हम किसी कारण से नहीं हंसते हैं। हमने हास्य योग को एक एक्सरसाइज के रूप में डेवलप किया जिसमें कोई कॉमेडी जोक्स वगैरह हम नहीं करते हैं और इसको एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी हास्य योग कहते हैं इसे, और इसको आप एक प्राणायाम समझ सकते हैं। लाफ्टर इज लाइक ए ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो जब आप हंसी को एक एक्सरसाइज के रूप में करेंगे तो आप कभी भी कर सकते हो, जब भी दुख भी है सुख भी है तो उसमें आप एक्सरसाइज करके आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। इसकी सबसे बड़ी बात आपको समझने की ज़रूरत है कि साइंटिफिक स्टडीज़ में ये सिद्ध हो चुका है कि चाहे आप असली हंसो या हंसने की एक्टिंग भी करो, हमारी शरीर को हमारे दिमाग को पता नहीं चलता है कि हंसी असली है या नकली है। तो 1995 में जब मैंने लाफ्टर क्लब शुरू किया था उस वक्त यही मेरी एक बड़ी खोज थी कि हंसी कोई नेचुरल और स्पॉन्टेनियस होने की ज़रूरत नहीं है, आप हंसी को व्यायाम के रूप में भी कर सकते हो। तो इस प्रिंसिपल को लेकर के हमने पहला हास्य क्लब मुंबई में 1995 में इस्टेब्लिश किया था। एक पार्क में हम 25-50 लोग जमा होते थे और खूब जोर जोर से हंसते थे। और लोग हमें कहते थे ये लोग पागल हो गए। लेकिन जो लोग आते थे उनको ये पता था कि इसके पीछे क्या है। आप 10-15-20 मिनट दिल खोल के हंस लोगे तो सारा दिन आपका मूड अच्छा रहेगा, और उसके साथ साथ आपकी जो जितनी भी रोग प्रतिरोधी शक्ति यानी इम्यूनिटी बढ़ती है, इससे स्ट्रेस टेंशन कम होता है। कई लोग बताते थे कि हमें हंसने के बाद नींद बड़ी अच्छी आती है, तो इसके अनगिनत लोगों ने फ़ायदे महसूस किए। तो इससे मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो पहला हास्य क्लब जो मुंबई में हमने इस्टेब्लिश किया तो उसकी न्यूज़ देश विदेश तक, BBC, CNN और लॉस एंजलिस टाइम्स में बहुत बड़ा आर्टिकल आया। तो ये इतना पॉपुलर हो गया कि मेरे फ़ोन सुबह से शाम तक मुझे लोग पूछते थे इधर भी आओ भी, हमारे भी यहाँ हास्य क्लब खोल दो। तो उस समय मैंने जब हास्य क्लब खोला, आई वॉज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रेस। मैं दो दो मैगज़ीन निकालता था, हिंदी में इंग्लिश में, डॉक्टर मैगज़ीन था, हेल्थ मैगज़ीन, और साथ में अपनी मेडिकल प्रैक्टिस, फैमिली डॉक्टर था मैं बॉम्बे में। तो ऐसे में इतना स्ट्रेस दूर करने के लिए मैं लिखता था आर्टिकल के स्ट्रेस को कैसे भगाएं, तो फिर मैंने सोचा कि लाफ्टर के ऊपर लिखा जाए कि इससे स्ट्रेस कम होता है। तो जब मैंने फ़ायदे पढ़े, इसके ऊपर रिसर्च पढ़ी, मैंने बोला ये तो अच्छा है, कोई हंसता तो है नहीं मुंबई में, चलो हास्य क्लब शुरू करते हैं। तो हमने 5 व्यक्तियों से पहले हास्य क्लब को जोक सुनाकर, कॉमेडी कि जो मस्ती वाली चीज़ें सुना के शुरू किया था, लेकिन 8-10 दिन के बाद हमारे जोक्स का स्टॉक ख़त्म हो गया और लोग बोले कि ये काम नहीं आएगी। तो हमने जोक्स बंद करके फिर ये खोज निकाली कि आप हंसी को एक व्यायाम में कर सकते हैं। तो इससे पूरी दुनिया में हास्य योग फैल गया, लाफ्टर योगा के लाफ्टर क्लब जो है एकदम, मैंने इसके ऊपर कोई बिजनेस नहीं किया क्योंकि लोग कहते थे कि आप इसको पेटेंट कर लो, यू विल लाफ योर वे टू द बैंक।
मैंने बोला नहीं चाहिए पैसे, मुझे इससे इतना आराम, लोगों को इतना फ़ायदा हो रहा है, काहे के लिए इसको बिजनेस बनाना है। तो इसको क्योंकि दिस वॉज डन विद ए गुड इंटेंशन और ऊपर वाले की इतनी इसके पीछे शक्ति लग गई, तो आज की तारीख में 116 देशों में हास्य योग को प्रैक्टिस किया जा रहा है और हजारों फ्री लाफ्टर क्लब हैं इसमें। और ये सिर्फ फ्री सोशल लाफ्टर क्लब में, इंडिया में तो लोग सोचते हैं कि सीनियर लोग, बड़े बूढ़े लोग ही हंसते हैं, ये ओल्ड लोगों का क्लब है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी लाफ्टर योगा कंपनियों में, फैक्ट्रियों में लाफ्टर योगा को बहुत सारे स्कूलों में भी इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी इसको। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इसके ऊपर 45 रिसर्च पेपर्स इस पब्लिश हुए हैं कि बिना बात के हंसने से या एज ए फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस यू कैन गेट सो मैनी बेनिफिट्स। तो आज ये इतनी बड़ी मूवमेंट बन चुकी है कि लाखों लोग अभी सब, कम से कम 3.5 मिलियन लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, जो हमारे जो फॉलोअर्स वर्ल्ड वाइड हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो इंडिया के बाद जो हैं, अमेरिका, जर्मनी और जापान। आप ऐसा समझो कि अमेरिका, जर्मनी, जापान जैसे अगर देश इसको एक्सेप्ट किए हैं कि इसके पीछे कुछ तो बात होगी, और लोगों को इससे बहुत राहत मिली है, बहुत सारे फ़ायदे मिले जो मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन अभी बात कम करेंगे, हंसेंगे ज़्यादा। अभी मैं आपको थोड़ा सा सैंपल दूंगा कि लाफ्टर योगा में क्या किया जाता है, कैसे हम हंसते हैं और इसके स्टेप्स क्या हैं, और कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा। तो मेरी प्रार्थना है कि जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम को करिए, इस हास्य व्यायाम को, हास्य योग को करिए, तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि इसके पीछे क्या है। ठीक है, दो बातें ध्यान में रखना कि असली और नकली हंसी में कुछ फर्क नहीं है। हंसी को एक प्राणायाम यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइज समझ के करेंगे, और अगर आपको शुरू शुरू में अटपटा लगेगा कि नकली हंसना अच्छा नहीं है, लेकिन आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन हर बार जब भी हंसेंगे थोड़ा लंबा हंसेंगे, ताकि आपके फेफड़ों के अंदर जितनी भी गंदी हवा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो बाहर निकल जाती है। चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए पहला स्टेप होता है क्लैपिंग। हम सब लोग वार्मिंग अप करते हैं, हो हो हा हा हा, हो हो हा हा हा, हो हो हा हा हा, हो हो हा हा हा। अभी करिए हमारे साथ, हो हो हा हा हा, 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 हो हो हा हा हा। ये तो शुरू शुरू में बिना बात के, बिना कारण हंसना बहुत मुश्किल होता है, तो लोगों को थोड़ी सी वार्मिंग अप करते हैं। दूसरी एक व्यायाम है, हाथ को ऐसा रखिए सामने और इसको दो बार बोलिए, हो हो हा हा, 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 हो हो हा हा। तो इस तरह से थोड़ी सी झिझक दूर हो जाती है, हम लोग क्लैपिंग करते हैं, हो हो हा करते हैं, फिर हम हंसे के व्यायाम करते हैं अलग अलग। तो पहली हंसी जो हमने 95 में डेवलप की थी, उसको बोलते हैं नमस्ते हंसे, क्योंकि भारत से शुरू हुआ, नमस्कार हमारा सिग्नेचर है। चलिए नमस्कार करिए आजू बाजू किसको भी, देखिए। अगर आपको असली हंसी ना भी आ रही हो तो आप इतना भी कर सकते हैं, हा हा, लेकिन कभी हो ही नहीं सकता। आप नकली हंसोगे, नकली हंसी नहीं सकते। जैसा आपने हंसना शुरू किया, असली अपने आप धीरे धीरे बहने लगती है। तो यही सबसे बड़ी बात लाफ्टर योगा में, ये है कि नकली से शुरू करके आप असली तक अपने आप पहुंच जाते हो, क्योंकि ये सब हम ग्रुप में करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, एक दूसरे को देख के अपने आप आने लगती है हंसी। चलिए दूसरी एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, तो एक लस्सी लाफ्टर है हमारा, दो गिलास लस्सी पकड़ेंगे ऐसा,
तीन बार मिक्स करेंगे, चौथी बार हंसते हंसते पी जाएंगे। बोलो ए ए ए एक बार फिर करेंगे ए आपने देखा होगा कि मैं जानबूझ के लंबा हंस रहा हूं, क्योंकि जितना लंबा हंसेंगे उतनी आपके फेफड़ों की जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, भरपूर ऑक्सीजन मिलेगी, और ऑक्सीजन ही हमारे स्वास्थ्य का आधार है। चलिए एक और एक्सरसाइज है, सेलफोन। आजकल सब लोग सेलफोन पे बात, एक एक नहीं दो दो सेलफोन है, इधर से भी और इधर से भी, चलो दो सेलफोन है। हेलो 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 अगर झगड़ा भी करना है तो हम लाफ्टर क्लब वाले हंसते हंसते करते, कैसा तू तू मैं देख लूंगा देख लूंगी आप अंदाजा लगाइए 25-50 लोग ग्रुप में जब एक दूसरे को ऐसा करेंगे तो कैसे आपको अपने आप ही हंसी छूटने लगेगी। फिर एक और हंसी बहुत पॉपुलर हो रही है हमारी, वो है क्रेडिट कार्ड बिल लाफ्टर। सो हाथ ऐसा करिए, ऐसा समझो आपके क्रेडिट कार्ड का बिल आ गया, ये इसको देख के हंसेंगे और दूसरों को दिखाएंगे ऐसा फिर बीच बीच में हम लोग क्या करते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, ये आप भी करिए मेरे साथ, वेरी गुड वेरी गुड, ये सो पहला है लाफ्टर एक्सरसाइजेस। और हंसी में योग क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि हंसी के व्यायाम और योग से लिया गया प्राणायाम, यानी लंबे गहरे सांस, डीप ब्रीदिंग करेंगे। तो डीप ब्रीदिंग को हमने हंसी के साथ कैसे कंबाइन किया, हाथ पूरे बाहर निकालिए, लंबा सांस लेके ऐसा करिए, होल्ड इट होल्ड इट होल्ड इट, और हंसते हंसते फिर से लंबा सांस भरिए एक बार, होल्ड इट होल्ड इट होल्ड इट आज की तारीख में आप सब लोगों को ये जानना है कि कोविड में हमारे फेफड़ों को ये वायरस अटैक करता है, तो अगर आप प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और लाफ्टर योगा करेंगे तो आपके फेफड़ों को इतनी स्ट्रेंथ मिलेगी तो कोविड आपको टच भी नहीं करेगा। तो साइंटिफिकली हमारे लंग्स के तीन लोब होते हैं, अपर लोब, मिडल लोब और लोअर लोब। तो अपर लोब को ऑक्सीजन देने के लिए एक ऐसा उल्टा नमस्ते करेंगे सब लोग, और इसको पीछे रख दीजिए ऐसा, और लंबा श्वास लीजिए, इनहेल, होल्ड इट होल्ड इट होल्ड इट एक बार फिर से लंबा सांस लीजिए, होल्ड इट होल्ड इट, और फिर हंस दीजिए अभी मिडल लोब को अगर ऑक्सीजन ज्यादा देनी है तो योग में एक माउंटेन पोस्चर है, पर्वतासन, हाथ जोड़िए, लंबा सांस लीजिए और ऊपर ले जाइए, जितना ऊपर ले जा सकते सीधा कर दीजिए, लंबा सांस, होल्ड इट और हंस दीजिए एक बार फिर से लंबा सांस लीजिए,
होल्ड कीजिए होल्ड कीजिए। और लोअर लोब को ज्यादा ऑक्सीजन देने के लिए योग में एक सिम मुद्रा है, लाइन लाफ्टर, लाइन पोस्चर, उसके लिए लंबा सांस लेंगे और जीभ को पूरा बाहर निकाल के पेट से। तो इस तरह से हमारी डायफ्राम यूज होती है, आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, आपका स्ट्रेस कम होता है। तो कोविड में बहुत तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है, एंग्जाइटी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो डेली अगर 10 से 15 मिनट तक आप लगातार हंसोगे, इस तरह से एक्सरसाइज करोगे, बीच में आप लंबे गहरे सांस लेंगे, तो आपका स्ट्रेस लेवल एकदम नीचे आ जाएगा। हमने इसमें टेस्ट किया, कॉर्टिसोल लेवल बॉडी के अंदर रिड्यूस होता है। दूसरा है, कोविड से बचने के लिए आपकी रोग प्रतिरोधी शक्ति यानी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। तो हमारी जापान में, जर्मनी में, यूएस में, तीन जगह पे रिसर्च की है, उन्होंने बताया कि हंसने से स्ट्रेस लेवल जैसे डाउन जाएंगे आपका इम्यून सिस्टम ऊपर चला जाएगा। तो इम्यूनिटी, आप उसका मैं लिविंग एग्जांपल हूँ, पिछले 25 साल से मैं लाफ्टर योगा कर रहा हूँ, एक बार भी मुझे सर्दी जुकाम नहीं हुआ है। तो दैट मीन्स कि आपकी जो इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाती है, आप, लेकिन उसके लिए आपको डेली हंसना पड़ेगा कम से कम 15-20 मिनट। इसलिए जो लाफ्टर क्लब है हमारे, कम से कम आधा घंटा तक हम अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं, ऐसा योग से हमने जोड़ा है ऐसा। इसको स्ट्रेच कीजिए, लंबा सांस लीजिए, स्ट्रेच कीजिए और हंस दीजिए। और तीसरी चीज जो कोविड में बहुत महत्वपूर्ण है, पॉजिटिव मेंटल स्टेट। आजकल इतनी नेगेटिविटी, आप न्यूज़ चैनल देखो तो दिमाग ख़राब हो जाता है, और फिर आपको इतना डर है कि मुझे कोरोना होएगा, मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। तो अपने माइंड को पॉजिटिव करने का लाफ्टर योगा से अच्छा और सस्ता, सुंदर, टिकाऊ यानी SST तरीका कोई और है ही नहीं मेरे हिसाब से। और जैसा कि मैं समझता हूँ कि कोविड के बाद नेक्स्ट जो पैंडेमिक आने वाला है वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का पैंडेमिक है, आप मेरी बात मान लीजिए। अभी कोविड के चलते लाफ्टर योगा की डिमांड 10 गुना बढ़ गई है, जगह जगह से फ़ोन आ रहे हैं, आप हमारे साथ हंसो, हमारे को हंसाओ। तो हंसने का कोई कारण नहीं है, रोने के हज़ार कारण हैं, लेकिन हास्य योग ने पूरे वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशन ला दिया है जिससे लोगों की हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। ये कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत ही कारगर है, क्योंकि पिछले ही यानी 2018-19 में 8 से 10 मिलियन लोग कैंसर से मर गए। आप देखो, पेंडेमिक से तो इतना नहीं हुआ है, लेकिन कैंसर कितनी बड़ी है, और जब कैंसर होता है तो आपको हंसी नहीं आएगी। तो अभी जितने भी नामी हमारे कैंसर सेंटर हैं वहाँ पे लाफ्टर योगा को इंट्रोड्यूस किया जा सका है। जैसे अमेरिका में एक MD एंडरसन कैंसर सेंटर है ह्यूस्टन में, वहाँ पे रेगुलर लाफ्टर योगा चल रहा है। और अभी अभी मुझे कल ही खबर मिली है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो इनोवेशन लैब है, उन्होंने इसके ऊपर स्टडी के लिए एक प्रोग्राम बनाया है, और मुझे उन्होंने वीडियो बना के भेजने के लिए बोला है। तो आप समझिए कि लाफ्टर योगा किस हद तक ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो आप सब लोगों से प्रार्थना है कि आप इस चीज़ को लाइटली मत लीजिए। आप बहुत सारी एक्सरसाइज करते होगे, लेकिन लाफ्टर योगा और प्राणायाम को मिला के जो 15-20 मिनट दिल खोल के हंस लोगे, तो आपको हर एक तरह की एक्सरसाइज लाफ्टर योगा में मिल जाएगी। ये एरोबिक एक्सरसाइज, इससे आपका कार्डिक आउटपुट बढ़ता है, ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, स्ट्रेस लेवल्स डाउन करेगा, और इससे आपकी चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। लगातार हंसने से, हास्य व्यायाम करने से आपको मुस्कुराने की आदत पड़ जाएगी। आजकल देखो ना, सबके मुँह लटके हुए, तो लाफ्टर योगा सबके लिए ज़रूरी है। अभी बहुत डिमांड आ रही है, अभी कल ही मुझे चाइना से बोला है कि यार इधर भी हमको भी हंसा दो। तो यहाँ पे, और अभी हमारा जो ड्रीम जो है कि हर सीनियर सेंटर में लाफ्टर क्लब होना, लाफ्टर योगा होना चाहिए, स्कूल के बच्चों में होना चाहिए, और जितने भी प्रिजन है, पुलिस है, जितनी फोर्सेस है, उनको भी लाफ्टर योगा करना चाहिए।
और इसके साथ साथ जितने भी कंपनीज कॉरपोरेशंस हैं उनके अंदर लाफ्टर योगा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल स्ट्रेस हो गया, घर से काम करते करते दिमाग ख़राब हो रहा है सबका। और वहाँ पे अभी सबसे बड़ी बात यह है कि हमने ऑनलाइन लाफ्टर योगा शुरू कर दिया है, तो ऑनलाइन में हम जूम पे डेली दो बार करते हैं। मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इसका लिंक भेज दूंगा कि आप फ्री है, आप सुबह 7:30 बजे डेली मेरे साथ आ सकते हैं। मैं तो डेली, मैं तो आई एम लाइक एन एडिक्ट, लाफहॉलिक हो गया हूँ मैं तो। और फिर शाम को 6 बजे भी हमारा एक लाफ्टर क्लब होता है ऑनलाइन। तो इस तरह से हजारों मेरे स्टूडेंट्स हैं वर्ल्ड वाइड, वो लोग ऑनलाइन लाफ्टर क्लब चला रहे हैं। अभी एक साल और ये कोविड का नाटक चलेगा और आपको हंसना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, 2 मई, आज हम विश्व हास्य दिवस मना रहे हैं, यानी वर्ल्ड लाफ्टर डे। हमारा मिशन क्या है कि हम हास्य के द्वारा विश्व शांति ला सकते हैं। कैसे? देर इज़ ए वॉर आउटसाइड बिकॉज देर इज़ ए वॉर इनसाइड अस। अगर आप अंदर शांति लाएंगे तो बाहर भी शांति आएगी। तो इस तरह से हमारे हास्य योग को हम दुनिया भर में फैला देंगे, लोग जो हंसते हैं वो कभी झगड़ा नहीं करेंगे, कभी फसाद नहीं करेंगे। तो चलिए अंत में आप सब लोग मेरे साथ 1 मिनट के लिए 60 सेकंड लगातार विश्व शांति के लिए हंसेंगे। 1 मिनट लाफ्टर फॉर वर्ल्ड पीस। आप हाथ ऊपर उठा के दुनिया भर में अपनी एनर्जी भेजिए। सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, भगवान से प्रार्थना कहता है करते हैं कि आप भी सेफ रहें। और नरीन जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, और आगे भी कभी कोई सेवा का मौका मिलेगा हम हाजिर हैं। कीप लाफिंग। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मदन कटारिया जी इस अद्भुत हास्य योग के सेशन के लिए। और साथियों, जैसा कि आपने देखा कि कटारिया जी ने कितने सरल और उम्दा तरीके से हमें ये बताया कि हास्य जो है एक अचूक औषधि है। हंसने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं होती है, हम बिना कारण के भी अच्छी तरह से हंस सकते हैं, क्योंकि हम चाहे दिल से हंसे चाहे बेमन से हंसे, हमारा दिमाग जो है वो इसे एक पॉजिटिव वे में ही लेता है। और हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स उत्पन्न होते हैं, ये एंडोर्फिन्स हमें फील गुड देते हैं। साथ ही जब हम अच्छे से दिल खोल के हंसते हैं, जब हम लंबा हंसते हैं, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, और ये ऑक्सीजन की मात्रा हमें रोग से लड़ने की शक्ति देती है। साथ ही हम जब तेज हंसते हैं उसके बाद में जो हम निश्वास लेते हैं तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड काफी निकल जाती है, तो हमें जो जितने भी हमारे अंदर के जो दूषित तत्व हैं उनका भी निष्कासन हो जाता है। एक और चीज जो हमें इसके साथ में पैकेज डील में मिलती है वो है कि हंसने के टाइम पे हमारे पेट की जो मांसपेशियां हैं वो अच्छे से कार्य करती है। तो जो आप जिम में जाकर के अपने एब्डोमिनल और पैक्स को बनाने की कोशिश करते हैं वो आपको सहज तौर पे प्राप्त हो जाती है, बिना जिन जैसे कहते हैं ना, हींग लगे ना फिट करी रंग चौखा होए, तो वैसे ही आपको हंसने में न सिर्फ ऑक्सीजन मिलती है साथ ही एब्डोमिनल मसल्स की आपको अच्छी वर्जिश भी हो जाती है। एक और चीज जो उन्होंने कहा कि जब जैसे कई क्रियाएं उन्होंने कराई, उसमें से एक जो महत्वपूर्ण क्रिया थी जिसमें आप अपने शरीर को पूरा टाइट करते हैं और फिर उसके बाद में सांस लेते हुए और सांस को रोकते हैं और फिर जब सांस छोड़ते हुए हंसते हैं, तो इसका एक जो सूक्ष्म तौर पे आपके इमोशनल लेवल के ऊपर जो असर होता है उससे आपका स्ट्रेस काफी कम हो जाता है, जो हमारे शरीर में जो तनाव के कारण कड़ापन आ गया है वो भी काफी तरह से दूर हो जाता है। और दूसरी एक और जो क्रिया जिसे सिंह क्रिया और हास्य कहते हैं, या यह कह लीजिए कि शेर के जैसे दहाड़ना और फिर हंसना, तो इसमें हमें दो इमोशंस में चेंज ओवर करना आता है, तो इससे हमारी सहजता सरलता बढ़ जाती है। जैसे कि जब आप शेर के जैसे दहाड़ रहे हैं और चेहरा बना रहे हैं टाइट किया है तो ये आपकी क्रोध की दिखाता है, आपको एजिटेटेड एंगर मोड में दिखाता है,
और फिर उसके बाद में जैसे ही आप दिल खोल के हंस देते हैं तो आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो जाता है, तो हमारी पर्सनालिटी में एक चेंज आने लग जाता है। इसे कहते हैं कि आप जैसे स्विच ओवर, अभी जैसे स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, तो इसी तरह से जब हम किसी भी अपने दिनों दिन के कार्य में जब हम गुस्से में होते हैं या फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो हम अपने भावनाओं पे काबू रखना भी सीख जाते हैं। जब हम क्रोध की जगह हमारे अंदर में सरलता होती है, सहजता होती है, प्रेम होता है, सदायता होती है, तो उससे न सिर्फ हम अपना ही भला करते हैं बल्कि एक स्वस्थ समाज की भी संरचना होती है। और जब समाज स्वस्थ होता है तो राष्ट्र अच्छा होता है, और राष्ट्र अच्छे होते हैं तो विश्व बंधुत्व की भावना का भी विकास होता है। और यही है हास्य योग से शांति का द्वार। इन्होंने कहा था कि हम शांति चाह सकते हैं, शांति ला सकते हैं, वो एक किस तरह से होगा, ये एक बहुत ही बड़ा चमत्कार जैसा काम कर। अब अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि अब जबकि शुरुआत हो ही गई है और कितने अच्छे दिन हुई है, आज 2 मई जो है विश्व हास्य दिवस है, तो इस दिन और जब विश्व हास्य गुरु ने हमें आज हम उनके साथ में हमने ये सेशन किया है, तो क्यों ना हम ये प्रण करें कि आज से ही नहीं, अभी से हम वो हर कार्य, चाहे नमस्कार हो, चाहे मोबाइल पे काम हो, चाहे हम बिल देख रहे हो या हम कोई व्यय कर रहे हो, तो हम हर कार्य हंस के करें। कर सकते हैं ना, क्या बोलते हैं आप? तो जब दिन में हम ये मौके बेमौके हंसना जारी रखेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी उम्र में कितने दिन जो हैं वो बढ़ गए हैं। जी हाँ, आखिर रोते हुए भी जीना भी कोई जीना है? जब बिना खर्चे के, बिना कोई पैसा लगाए, बिना कहीं बाहर गए, हमें इतने सारे लाभ, वो भी बिना मतलब मुफ्त में जब मिल रहे हैं और वो भी हंस के, ना सिर्फ आप जब हंसते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं, आपकी आंखों में चमक आ जाती है, आपके चेहरे पे रौनक आ जाती है, तो क्यों नहीं जोर से हंस देंगे इसी बात पे? दिल खोल के जोर से हंस के बता दीजिए कि हम तैयार हैं, है ना? तो शुरू करें, एक बार दिल खोल के हंसना है सबको एक साथ। तो दोस्तों, आज 2 बहुत अच्छी बातें हुई। पहला, आज आपने अपना समय हमें दिया इस विश्व हास्य दिवस के दिन, और इतना हंसे हैं। जी हाँ, हंसे और फंसे, इसीलिए तो अब तैयार हो जाइए तितली बन के उड़ने के लिए, क्योंकि अब आपने अपना जो किलाबंदी है उसे तोड़ दी है और आप अब पूर्ण रूप से तैयार हैं तितली के समान उड़ान भरने के लिए। और जब आपने इसके लिए आप तैयार हो गए हैं तो हमारा अब अगला सत्र हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें आपके लिए हम लेके आए हैं एक ऐसी अनोखी वक्ता जो न सिर्फ एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं बल्कि साथ ही वे एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं और कुशल नृत्यांगना भी। उनका विश्वास है ABCD में, आपने पढ़ी है ना ABCD, पर उनकी ABCD है एनीबडी कैन डांस। और जब आप डांस करते हैं तो जीवन में एक उत्साह, उमंग और रस भर जाता है। तो उनसे मुलाकात करने के लिए आपको हम उसके पहले ले चलते हैं हमारे जो सह संस्थापक श्रीमान सोमनाथ चटर्जी के पास में, जो कि आपको डॉक्टर अरुणा से रूबरू कराएंगे, उनका औपचारिक तौर पे परिचय देंगे। श्री सोमनाथ चटर्जी एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, एक अद्भुत व्यक्तित्व हैं। उन्होंने बहुत ही अल्पकाल में अपने बुद्धि कौशल और एनालिटिकल क्षमता से, दूरदर्शिता से विश्व में एक नया मुकाम हासिल किया, जिनकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल है ही नहीं, उनके लिए इम्पॉसिबल आई एम पॉसिबल बन जाता है। कैसी भी समस्या क्यों ना हो उसका समाधान करके ही मानते हैं, इसीलिए सर्वत्र जाने जाते हैं। अत्यंत ही विनम्र, सरल, सहज, कुशाग्र श्री सोमनाथ जी संजीवनी के सदृश कार्य को अंजाम देते हैं, और उनकी उपलब्धियों की एक लंबी सूची जो बताती है कि वे कितने कार्य कुशल हैं, तो आप वो स्वयं देख सकते हैं। और अधिक समय नहीं लेते हुए मैं स्वागत करती हूँ श्री सोमनाथ जी का, कि वे आए और हमारे आज के अनोखे सत्र की अनोखी वक्ता डॉक्टर अरुणा जी का परिचय कराए। धन्यवाद श्री सोमनाथ जी। धन्यवाद रश्मि जी, अभी मैं आपको परिचय कराता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्टर अरुणा
चिन्नाकोटला जी को, जो कि यूएस में सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में रहते हैं, एंड शी इज़ अ अमेजिंग पर्सनैलिटी, टैलेंटेड फिजिशियन, जो कि सिर्फ यू नो मेडिकल डॉक्टर ही नहीं है, वो बहुत सारे कम्युनिटी सर्विस भी करते हैं, वो आप उन्हीं से सुनेंगे. एंड शी इज़ अ ग्रेट एंटरटेनर, शी इज़ अ फिटनेस एंथुजियास्ट. उनकी थोड़ा बहुत मैं यू नो बैकग्राउंड आपसे शेयर करता हूँ. सो शी इज़ द असिस्टेंट चीफ फिजिशियन ऑफ कंटिन्यूम केयर ऑफ काइजर परमानेंटे, विच इज़ वन ऑफ द लीडिंग हॉस्पिटल्स इन द यूएस. एंड शी इज़ ऑल्सो अ सर्टिफाइड फिटनेस इंस्ट्रक्टर एंड को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एक्सट्रीम बॉलीवुड. शी ऑल्सो हैज अदर क्रेडेंशियल्स लाइक सीनियर फिटनेस स्पेशलाइजेशन बाय द नेशनल एकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, एरोबिक्स एंड फिटनेस एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, एंड ऑल्सो अमेरिकन बोर्ड ऑफ पैलिएटिव एंड हॉस्पिस मेडिसिन. सच अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन. शी इज गोइंग टू एंथ्रॉल अस विथ हर फिटनेस drill and of course absolutely amazing music and dance. Over to you, Dr. Aruna. Thank you everyone for a warm welcome. I really appreciate you guys bringing me on this board. My name is Aruna Chinnakotla. I'm a physician. I work for Kaiser, which is a big organization in California. So my dreams of becoming a doctor started when I was very young, when I went to visit a village back in India. And that's where my grandpa used to live. And I know, you know, one of the cases was the babe, he was, I think, 10 years old, who started developing gastroenteritis with lots of nausea, vomiting, and people assumed he was dying. And then the doctor who was going door to door, which was those traditions in that day, came in, gave him IV fluid through just right in front of everyone. And the guy perked up and started feeling better. Next 2 days, he was back to normal. Somehow that really made a big impact on me, like how, you know, a person can change another person's life who is dying. And that perked my interest to become a doctor. And that's when I started, you know, pursuing that, finished my 10th grade, finished my 12th grade in biology, was my BPC was my major. And I went to Guntur Medical College, which is a medical school in Andhra Pradesh. After that, actually, my passion was to become an academic person. You know, I am high achiever, always passionate about doing more and more. During that time, I got married to my husband, who lives here in United States, and I immigrated to United States with him. Here, I did my residency in internal medicine. I started my fellowship in GI. And after a couple of days, realized that my daughter was being raised by everybody else than me. I did not like that. I wanted to be a mom as well as a career woman. And so I quit my residency and my fellowship and came, told my husband, let's go back, because he's a software engineer, and move back to California where he can be in Silicon Valley as a computer engineer. I started my job as an internist at Kaiser, South San Francisco. And my daughter, and I was working part-time, giving time to my daughter to grow up, because as motherhood, I think family comes first. And that's what I preach to everyone. And then comes my work. So as a woman, I continue to do that, but I lowered my pitch a little bit and stay as an internist. During that time, you know, so that is medical field, but I'm also passionate about fitness related activities, right from games and dancing. And I'm naturally a born dancer, people call me. I used to be, I learned Bharatanatyam for a little while, but I never went into higher grades, but I was more into a folk dancing, and I became a district level champion in that. I was a karate champion. So I had all this multi-passion related to health and wellness, which is dance and exercising and games and things like that. I used to participate in all these competitions throughout my college, but when I got married, came to United States, everything stopped because there was no venue for me to perform or do anything. And then, you know, life gets in the way. My daughter was born and we moved here. I was
And at that time, she was 5 years old when she started taking steps and dancing. And then slowly I started teaching her. And then my friend's kids started coming in. Well, like I had a group of 20 kids now I was teaching. They were performing in all the Bay Area events and doing things, different things. And then my husband said, you know, you like dancing so much. Why don't you also learn? So I joined another dance class, started learning. And the teacher said, do you want to be an instructor? So I became an instructor while working. This is all while I'm working. But then it came to a point that company closed down and my friend and me talked about, why don't we do something on our own? And I took that passion and put it into the company. Now we call it Extreme Bollywood. It started as Fusion BEATZ. So how do I mingle both two? When you see my dance, it's not just dance. It is exercise because you're moving, but each move has a particular importance in your body. And that's how I choreograph the program. Okay, so that's one part of me. And then while I was being doing my medicine and stuff, I had an event in my life where my brother passed away. He was 32 years old at that time. And that brought a different thing from my life, which is my brother passed away in India. He had a stroke, but the doctor's treatments, the way they treated him, they wanted to continue doing things for him, which were futile. His brain was already herniating. That means brain was going to the center part. So it's pressing on his airways and he would not be able to breathe. Even if he makes it, the chance is like 1-2%. If he's alive, he would be on different things to keep him alive. He will be bedbound. He will never be able to walk. He'll have a tube through his stomach to feed him. He might have a tube through his rectum for his feces. He might have a tube through his urinary tract for him to pee. And all my parents have to just see and live with that. And at that time, I had to fight with the doctors saying that I don't want any other treatments and just keep him comfortable. I do not want him to suffer. So that became a lot of fighting with the doctors and everything. Eventually, my parents agreed with me and he passed away peacefully. That changed my medical career to become a physician who is part of the family, to teach them what is important, why is it important, quality of life, how to take care of that. So I stopped just being, doing things, but being patient's partner, saying what is right, what should we do now, and how do we take care of things, what is quality, live well. We are born alive, happy, go happy too, right? So live life. That's my slogan. So when I say palliative care, it is about living life. All these passions about life, brought me into more direction where I started the classes, we started having the business model of it, training other people, right? One candle cannot light the entire world. You have to light other candles. And that was my motto about training instructors and training them to do the same thing what we are doing, follow the same principles of training each other. The same passion of life and wellness and live well and live happy, because we all die, big deal. But how we die is important. And during this interim, how you take care of self matters. So that, I am not only palliative care physician where take care of end of life and die with dignity, but I also love the fact that we can take care of different aspects of life by exercising, eating well, taking care of ourselves, I'm a mind body physician. I'm advanced trained in mind body. I do meditation. I, run a support group for cancer patients. So I have all these other degrees in between just to enrich my passion for all things life has. So I'm board certified in lifestyle medicine just because I like everything lifestyle. I'm board certified in integrative medicine because I like all the integrative things we can bring to life. I'm a medical doctor and palliative care doctor because that all adds up. So it's not anything separate. It all brings it together. As a fitness instructor, again, life is important. So that's why I'm trained in different, modalities, Tabata certification, just how to be an instructor certification. So I have all these other additional things. And all comes not just because I'm passionate. I have a lot of support from my husband. My daughter is now in college. She graduated. She's applying for medical schools.
she never saw people say, right, oh my God, you're a doctor, how can you do all that? I never see my profession as a pain. I see it as fun. I see it as something I'm born to do. So my daughter never saw me complaining about it or anything. So she chose the path. People say, oh my God, she saw you and she's doing it and she's not scared. I say, because I'm not ever stressed about it. So she sees me happy face. She sees me enjoying it. She sees me, all the patients complimenting me, bringing me gifts. Actually, she gets all the gifts from my patients to her. So she's seen growing up, she's seen all of that stuff. So in a nutshell, that's me. I love life. So I say live life and love life and do things you love the most and be kind to others and keep the world a happy place. So now that you heard my story, let's get our bodies moving to the next 5 Bollywood numbers. We start with a warm-up song where we just warm up all our muscles. So you'll see a lot of moves related to that. Your heart rate would be a little up and you start sweating a little bit. And then that's a prep work, right? Then you will do 2 songs, which are dance related moves, but it's engaging your core and working your core. And then the 3rd song, you will do some functional moves where you're going down and up and working the other muscle groups in your lower body. The next one we did was the strength training, which is our 4th song, where you do literally all strength training moves and cardio moves, okay? So you're working out with the lunges and the squats and horse ride and jumping jacks. It will be a full-blown workout. If you do all these 4 dances, you will have a good sweat workout and you will be ready for charge for the next day or same day. And end with always stretching, and which we do after that without the music, just focusing on each individual muscle and stretching them the best possible way. My other tip is make sure you hydrate yourself throughout your workout, which is very important. So you avoid cramping and you will be having an effective workout because it is for a tune-up for your body. So make sure you take all your precautions when you do your workout. So the 1st song is warm-up song, and warm-up is important to make sure your body is ready for the workouts you do. So let's do the 1st song, and you'll see squats, lunges, and all kind of things to stretch your lower body and also warm up with your heart rate going up. You don't ever stretch a tight rubber band, right? You want to just loosen it up so the muscles are stretched. So that's what warm-up is for, okay? It prevents injuries and makes you feel good, and you can carry on the workout for longer. So let's do it. Okay, march. बत्तियां बुझा दो थोड़ी सी पिला दो अंधेरे में जो होगा सुबह सुख भुला दो जगा ले जज्बात हम आँखों से धीरे धीरे करे शुरुआत हम फिर लबों पे जगा ले जज्बात हम दूरियों से कह दो कि पास न आए एक दूसरे में गुजारे सारी रात हम दिया बुझा दो थोड़ी सी पिला दो अंधेरे में जो होगा सुबह उसको जो हो
तन्हाई में बाहें कहती हैं बाहों से लिपट के लम्हे बिता लूं ख्यालों की रजाई में That you're done with warm up, your heart rate is up, you're sweating a little bit. Now we're going to go to the second song. The second song is more focus on your core. You'll be doing a lot of those hip shakes right here, and then you'll be doing a lot of side. So you're going to work on the side and the abs. Okay, this is important part of our body where really all the fat gets accumulated and is injurious to our health. So reducing this belly fat is so important. So a lot of the movements which we do in our extreme Bollywood is all related to core along with the other part. But this one, you will see focus on the core. Okay, let's do it with the music. शीला शीला तूने कुर्ता डाला ढीला मेरा हुआ मजाज रंगीला बोला क्यों क्यों तू कौन जिले से आई तूने आते ही आग लगाई तेरी तेरी जवानी बिल्कुल ओह ओह When I say love you and you say love you too ले सारे केंदे उलाला बढ़ गई धड़कन बहुत जोर से बढ़ गई तेरी निगाह तो दिल पे गड़ गई बेबी क्यों क्यों तू दूर दूर से देख के भैया दूर से फंदा फेंक के फंस गए फंदे में तेरे आशिक सौ सौ मैं तेरे हुस्न के चर्चे हर चौबारे पे सुनू song, but now we do some inclusion of moves called functional moves.
functional moves are nothing but moves which we need in our daily life, right? As we get older, we don't do get down, do all these things which we did before. It's very hard for us to do that. So one of the moves here we do is we go down, come back up, and kick, right? So these are moves which you need for you to age gracefully. So in this song, we will be doing that move along with, again, the core moves which I was talking to you about. So you'll be moving your hip in circle, and it's a very common, this is a very popular song, actually, I should say. A popular song, Ha Main Galat. Okay, let's do with the music now. March. गलत मेरी बातें गलती से ही दुनिया बनी पूरा सही कोई नहीं है ले ले मेरी चेतावनी दिल में जो आए आज हो जाए दिल में जो आए आज हो जाए आज स्टेज लगा है बड़ी जगह है डू इट विद अ ट्विस्ट बिखरेंगे बहकेंगे संभलेंगे दोनों दिल के इस मामले में ना अकल को लगा अकलों में उलझेंगे तो फिसलेंगे दोनों ओ मेरा अपना कैरेक्टर तेरी अपनी अदा टूटेंगे बिखरेंगे बहकेंगे संभलेंगे दोनों दिल के इस मामले में ना अकल को लगा अकलों में उलझेंगे तो फिसलेंगे दोनों दिल में जो आए तेज लगा है बड़ी जगह है डू द ट्विस्ट strength training song, okay? It's our Bollywood song as usual, but it is about strength training. So you will see some cardio components and some strength components. When we talk about strength, we do a lot of lower body strength because 70% of our muscles are in the lower body. So the lunges, the squats, and jumping jacks, these are all very good exercises to strengthen your body and your heart because they're all attached, right? I cannot just do strength training and not worry about my heart. And I need these two to work so I can work my brain. So all goes together, okay? Because all of that gives you happy hormones, one thing, but also makes you strong and your heart stays happy, stronger, longer.
So let's do this one. This is Urta Punjab, a remix song with a lot of strength training. You could do modifications. I'll give you the modification, but it's all about your strength. Okay, let's do it. पेट्रोल चल सुटिए अंदर का कुत्ता आज कड़िए अब दुनिया पेट्रोल चल सुटिए पाउडर की लाइन का रखेगा कौन हिस्सा हा उड़ता पंजाब चंगी सी रत गंदी तुर फिटे मुमर परे तू इतना क्यों अब्यूज करे तू जब से पैदा हुआ है घबरू सुबह शाम ही बूज करे जहर लगा के हो जाते मैं आ जाते तू किस करांगा दोनों मर जावांगे फिर भी कभी तुझको मिस करांगा गाली देगा जो भी मुझको उसकी टैग है फिस राइफल दिखा के मुशायरे लुटिए ऊपर से कूद के आज टूटिए राइफल दिखा के मुशायरे लुटिए ऊपर से कूद के आज टूटिए काली सी बोतल में रंगीन भर के पा उड़ता पंजाब is your stretching. Very important as your warm-up, okay? Your in-the-middle workout is important, but warm-up and cool-down are crucial. You want to do the cool-down. When you say cool-down, you're not just doing heart rate to come down, okay? What you're doing literally is making sure the muscles you worked are stretched or pampered, right? When you're stressed, you get a massage, you feel better. Exactly the same thing for your muscles. We have all these muscles which get tighter when we work out day after day. And also, not to say, the sitting disease, which we all are doing now, constantly sitting, which is causing insulin resistance, tightness in our hip flexors, all the muscles which affect our back. So back problem is a common thing. We're slouched. So you saw initially we were doing that opening the chest move. It was to open that chest, right? So you want to make sure you're not collapsing. When you do moves like that, it helps you to form that posture. So let's do some stretching. I'll do without the music so you can really hear me and what muscles I'm stretching. These are common things which I do. And you know, not only after the workout, you should be doing them throughout the day. For example, you're sitting for half an hour to an hour, you get up, do some stretches or take a walk, okay? At least for 2 minutes, 1 to 2 minutes. That's what is recommended. Or stand up and work and keep stretching in between. It's your body and you are the only one who can take care of this. Okay, let's do the stretching now.
in our workouts, we do the stretching, but we don't do with the music, okay? Most of the time, we just play a song in the background, but we are just literally stretching, which I'll be showing. It could be any stretches, but mostly you want to focus on the lower body. The first thing is your quads. These are, as I was mentioning earlier, from here to here, 70% of the muscle mass is right here. So you want to make sure you stretch. The biggest muscle is this one. We want to stretch that too, because this one not being stretched, it forgets to move and it is connected to the back. So you can have back problem. If you want to use some balance, hold, take your leg, hold it at your ankle and try to just bring that heel towards your buttocks. Okay. Your knee is slightly straight pointing down to the floor and you're using your heel to touch. If you can balance, hold, and then gently, while this is touching your buttock, push it back, push it back, push it back. It's opening up your hip flexors, okay? How much ever your flexibility is, you want to do that, okay? Your goal is first getting that heel to your buttock. You know how long to stretch your muscles? You gotta do at least 20 to 30 seconds each muscle. Do we do that? No. Should we do that? Yes. Okay, hold that heel to the buttock. Knee pointing to the floor. If you don't wanna have the balance, you can let go and then push it back. Push back. More back. And then hold wherever you feel that tension. Okay? You want to do it other way, you could do laying down on the floor and just bringing the heel down to your buttocks right here. Next, let's stretch our hamstring. So you want to point your toes up. This knee is slightly bent, you reach forward. Your back is flat, no curve here. And you bring your chest towards your knee. Your knee is straight and reach. How far can you go down while keeping that knee stretch? And hold right there. Wherever you feel good, trying to breathe through your nose, reach towards your toes, chest towards your knees, and hold. You should feel a stretch of 5 to 7 pain, not 10 out of 10. Then you need to let go. And come back up. You stretch your hamstring just now. Again, the other side, reach, your chest is flat right here and see how far can you go. If you're here, that's fine, stay right here. Stay right here, otherwise go down more. Okay, now stretching the calf muscle. That's this muscle right here. It's actually your second heart, okay? So that muscle doesn't get, what is that? It's too tight or not stretched. You do develop varicose veins. Not only that, it affects your back because all these muscles are linked together. So easy way to stretch them is up on your toes, which you could do it when you're working, and down. And up, and down. And up. Now hold right there. Breathe through your nose. Just breathe through your nose. Stay connected to your breath and hold. Sky is the limit. Get up the heel and down. Okay, one more time. Up. So you will avoid your heel pain, which can come with your workouts. Doesn't mean you stop workouts, you just stretch. So you did this, this, and the calf. Now let's do the ankle. Circle the ankle in one direction and go the other direction. Now, turn the foot down and facing the foot towards your mat, just gently push your hip forward and feel a stretch all the way up here. That's your tendons in your feet stretching. Always breathe. Pain, 5 to 7. You are the master of your body. Hold right there and let go. Let's do the other leg. Ankle rotation.
And the other side. Now hold again, like I'm bending my foot. Back of the front of my foot is touching the floor. And I'm pushing forward so I can have my whole back of the front of the foot touching. And I stretch my shin, tendons in my feet. And I can see some cramping coming up. And I breathe into it. Excellent. Now take your hands, open your fingers, interlace them, reach up, right? Your elbows might be like here because they are tight. Push it up so that your elbows are close to your earlobes and bend, and bend. Breathe through your nose, your chest is open. How low can you go? Open the chest and come up. One good stretch to do while you're sitting and working. And up. Now hold your hands, interlace behind you. Push your arms away, stretch it up, and look up. Now not only you're stretching your pectoralis, but also stretching your abs, because you did work on them without doing your abs. Now take your hands forward. Flex your hands towards you. My wrist is straight. I'm bending. Ow, ow, ow. One finger at a time. All the texting fingers, right? These are small muscles in your fingers. They get really tight. You want to stretch them. The other side. Right there. Stretch it up, stretch it up, stretch it up. Good. Take your right hand under your left, hold it. Interlace like how you do in eagle pose. Lift up and down. Lift up and down. One more time and down. Now you wanna switch the hands, the other hand below, and just give three more breaths up and down. Up and down. Up. And down. I have a few more muscles. Let's do this one. This is a, if you're in a chair, it's easy. I'll show you both variations so we can do both. Sit down, cross your right leg over your left. Right like this. It's stretching your buttock muscle, which is the biggest muscle of your body. And reach. Do you know what is the strongest muscle of your body? Your tongue. That's why I always say good stuff, kind stuff, caring stuff. Use it wisely. And breathe right here. And come up. Did you feel that? Right? I did. Right here. And reach. And breathe. So you want to make sure this knee are equal. If you're too tight, you might come up here. Just gently sit here and press it down. And feel that stretch in your back. Excellent. Now sitting down, the same thing. You could just cross the leg over. Let's turn this way and hold your back straight. Your leg is open and hold right there and feel that stretch. Switch your leg and hold. My right, left side is more tighter than the other side. It's a work in progress. I exercise every day 10 minutes to 15 minutes in the morning. So it preps me for the day. Okay. Now, down, take a deep breath, come up and exhale. Hands to the center. Take a few deep breaths in and out. And exhale. Breathe in light. And exhale darkness. Breathe in positives. And exhale the negatives. Breathe in kindness.
and exhale gratitude. I'm so grateful for all of you for listening to me and paying attention. Thank you. Have a great day. थैंक यू अरुणा जी, इतने सुंदर तरीके से आपने जो हमें नृत्य कौशल से फिटनेस का जो राह दिखाई है वो मेरे ख्याल में सबको बहुत ही पसंद आई होगी। आपके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जिनके आते ही वीराने बस जाते हैं, जिनके आते ही वीराने बस जाते हैं, फूल आकाश के धरती पे बरस जाते हैं, जो हर एक दिल में उत्साह उमंग जगा देती है, ऐसी अरुणा जी का जीवन हम सबके लिए न सिर्फ प्रेरणा स्रोत है बल्कि राह कितनी भी हो मुश्किल वो राह दिखा देती हैं, और जब मन में विश्वास हो तो कैसे दुनिया बदलती है ये हमें समझा देती हैं। तो इसके साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शब खैर, आप सब स्वस्थ रहें। साथियों, आपको ये जान के शायद आश्चर्य हो या कुछ जानते होंगे कि 29 अप्रैल जो गया है अभी वो वर्ल्ड डांस डे था, और 27 अप्रैल को हनुमान जयंती। तो हनुमान जो दिल में बसते हैं, जिनके दिल में राम बसते हैं, जानते हैं वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि आपके दिल में इतना विश्वास है, इतनी शक्ति है, तो उस शक्ति को हमेशा जागृत रखें। और हास्य दिवस, नृत्य दिवस और हनुमान दिवस की जो हमको एक तरह से प्रेरणा मिलती है, जो हमको सीख मिलती है, उसका ध्यान रखें। और अगर हमारे मन में यह विश्वास रहेगा और हम हमेशा हास्य योग और नृत्य का पालन करते रहेंगे तो सच जानिए जीवन बहुत ही सुमधुर, मंगलमय, सरसपूर्ण हो जाएगा और एक अच्छे स्वास्थ्यपूर्ण जीवन की शुरुआत होगी। और कोरोना के इस काल में जबकि हर कोई निराशा से अभिभूत है, निराश हो चुका है, एक तरह के डर भर गया है, वो सब दूर हो जाएगा और फिर से मन मुस्कुरा उठेगा और कुलिया खिल जाए। इसके पहले कि हम आपसे विदा लें, मैं बुलाना चाहूंगी हमारे एवर एंथुजियास्टिक, हमेशा उमंग और उत्साह से भरे एनर्जेटिक विंग कमांडर श्री विद्याकांत जी काला को कि वे आए और अपने शब्दों से हम सबका उत्साह वर्धन करें। वे हमेशा से एक बहुत ही बड़े स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं और इंडस वेलनेस कोर्ट जयपुर का पूरा कार्यभार उन्हीं के कंधों पे है और उनके ही मार्गदर्शन में ये कार्य हो रहा है। श्री काला जी, आपका स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर रश्मि फॉर कंडक्टिंग द प्रोग्राम सो वेल, एंड थैंक यू डॉक्टर कटारिया फॉर मेकिंग आवर डे on this World Laughter Day. And thank you, Dr. Aruna, for teaching us such wonderful dance moves, which also help us keep fit. Now it's time to thank our team, which consists of the management team, where we have Mr. Naren Bakshi. He is the leader of the pack, myself, and then we have Mr. Somnath Chatterjee, all the way from Silicon Valley. We have our core team and advisors in Jitendra Gautam, Arminder Multani, Adi Gurudas, and Arushi Jain. Then our advisors, you know, we have Dr. Sheila Nambiar and Dr. Sudhir Bhandari as our advisors. And then core team of doctors comprising Dr. Sunil Jain, Dr. Rashmi Jain, and Dr. Chavi Mehra. Our ambassadors, Mr. Mahavir Pratap Sharma, Mrs. Neeta Bushra, Major General C.P. Singh, and then our partners, we are strategic knowledge partners in IIHMR University. Our community partners are MFJCF, Bitosa, Jewelers Association Jaipur, RCCI, SKIT Jaipur, SMDG Alumni, Employer Association, IIS Jaipur, and Life Shiksha. Our area development partner is Shamnagar Vikas Samiti. Our corporate wellness partners are KP Automotives, Pratham Software and Data Infosys Limited. Our NGO partners are Udan NGO and Raksha. Our wellness partners are CK Birla Hospital. Our pro bono partners are Global Answers, Creation Adda, Sattvic Foods, Mr. Sandeep Bansiwal, Surendra Shahan Associates, and Mr. Pratik Jain. And finally, our support team, who have put a lot of time and energy to make this initiative successful. They are Sneha Vasist, Smriti Meghwal, Devendra Rathodia, Tushar Garg, Umardin Khan, and Rishi Sorana. Future events that we have planned for you all is starting with May 9, when we are scheduling a special event on COVID
at 9:30 a.m. We are trying to get a team of specialist doctors from Stanford University into this program. Then we have May 16, nutritious diet and cooking demo, June 6 on resilience, and June 20th, be updated with your smartphones. So please keep tuned and keep looking at our website, www.thewellnesscode.org, for details on these programs. You can also reach us on +91 7339 951 157. So please stay tuned